सब्सक्राइब कीजिए की फ्रेम्स एनिमेशन एकेडमी चैनल को ताकि मेरे सारे ट्यूटोरियल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। सो दोस्तों, आज हम देखेंगे वीरे फॉर स्केचअप 5.1 का जो नया अपडेट आया है उसके बारे में। सारे डिटेल्स मैंने इस वीडियो में बताए हैं और उसको यूज़ करके एकदम रियलिस्टिक अच्छा व्यू हम स्केचअप में इटसेल्फ कैसे ले सकते हैं, उसको रियलिस्टिक व्यू कैसे निकाल सकते हैं, उसको मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो को ठीक तरह से देखना, एक एक पॉइंट मैंने एकदम डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इफ यू वॉन्ट टू लर्न वीरे, आई कैन टीच यू फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस एंड आई कैन मेक योर रेंडर्स लुक वेरी ब्यूटिफुल। सो नीचे दिए हुए स्क्रीन पे नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप कर सकते हो। सो वहाँ पे पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। कोर्स ख़त्म होने के बाद यहाँ से आपको मिलेगा ऑथोराइज की फ्रेम्स एनिमेशन एकेडमी से आपको सर्टिफिकेशन। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस लेसन। सो बेसिकली ये एकदम सिंपल ब्लॉक है और ब्लॉक इन द सेंस सिंपल ऐसा ब्लॉक बनाया है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। यहाँ से अगर तुम देखोगे यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पे विंडो है और यहाँ पे थोड़ा स्पेस है और यहाँ पे भी ओपनिंग है और लेफ्ट हैंड साइड में भी है, तो लेफ्ट हैंड साइड का दिखेगा नहीं। तो हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक और यहाँ से ओपनिंग है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मुझे अभी एक लिविंग रूम डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो मैं स्पेसिफिकली ये चीज़ बता रहा हूँ आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइनर्स के लिए। आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइनर्स के लिए क्या होता है, उनको ज़्यादा टेक्निकल मतलब 3D सॉफ्टवेयर के टेक्निकल के ऊपर जाना अच्छा नहीं लगता और बहुत सा काम आउटसोर्स होता है 3D आर्टिस्ट को ऑफकोर्स। सो अभी उनके पास एक रास्ता ऐसा है कि अगर तुम वीरे 5.1 ये सॉफ्टवेयर मतलब वीरे फॉर स्केचअप अगर तुम लेते हो तो कैसा तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा, कैसे तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ेगी और कैसा अच्छा रेंडर अपने को कम समय में मिलेगा, हम अभी देखेंगे। सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ से एक्चुअली वीरे का टूल बार शुरू होता है। अगर तुम फर्स्ट टाइम अगर लिंक से परचेस करते हो तो यहाँ पे तुम्हारा डायरेक्टली टूल बार ऐसे आ जाता है। इफ़ यू राइट क्लिक हियर एंड यू कैन सी दिस वीरे फॉर स्केचअप, वीरे लाइट्स, वीरे ऑब्जेक्ट, वीरे यूटिलिटीज़, ठीक है। स्पेसिफिकली आज के वीडियो में मैं ये चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ, आपका स्पीड यानी लेट्स से टेक एन एग्जांपल, आपने क्लाइंट के पास मॉर्निंग में मीटिंग हुई आपकी, आपने डायरेक्टली स्केच कर दिया और स्केच करके आपको आपके क्लाइंट को आपने दिखाया कि ये मेरा ड्राइंग रूम ऐसे बनेगा और शाम को आपको उसको रेंडर, हाई क्वालिटी रेंडर अगर आपको सेंड करना है तो कैसे करेंगे, दैट इज़ मीन बाय स्पीड, ओके। और क्वालिटी मतलब जो मैंने रेंडर क्लाइंट को भेजा है वो एकदम रियलिस्टिक होना चाहिए, जैसे कि मैं स्टूडियो में मेरा बाहर काम करने देता हूँ, आउटसोर्स करता हूँ, तो उसी तरह वो चीज़ यहाँ पे मैं क्लाइंट को दे सकता हूँ, ओके। तो वो रही क्वालिटी, तो उसके लिए क्योस कॉस्मोस होना बहुत ज़रूरी है। जो अभी 5.1 में जो अपडेट दिया है वो इसी के ऊपर स्ट्रेस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वीरे 5 नेक्स्ट तक सारी चीज़ें थी, यहाँ पे जो दिख रही है सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ केओस कॉस्मोस, तो फर्स्ट यहाँ पे क्लिक करता हूँ वेलकम टू केओस कॉस्मोस, यहाँ लिखा हुआ है योर यूनिवर्स फॉर स्मार्ट वीरे कंटेंट। अब ये एक लाइन में ना बहुत चीज़ें छुपी है, स्मार्ट वीरे कंटेंट इन द सेंस ये खाली कंटेंट नहीं है, कंटेंट इन द सेंस लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं अभी यहाँ से क्लिक करता हूँ फर्नीचर के ऊपर। अब ये जितने सारे फर्नीचर्स दिख रहे हैं ना, तो ऐसे फर्नीचर्स या तो ऐसे कंटेंट 3D वेयर हाउस में भी अवेलेबल है। अगर आप सोचोगे तो भी 3D वेयर हाउस में भी अवेलेबल है, वही ड्रैग करके हमारा काम हो जाता है। बट आप एक चीज़ भूलते हो, जब भी आप वो चीज़ ड्रैग करते हो, एक चीज़ पॉपुलेट करते हो, कोई सीन को पॉपुलेट करते हो, जैसे कि आपने सोफ़ा लिया या छोटे छोटे जो चीज़ कंपोनेंट्स लिए उसको पॉपुलेट कर दिए, तो आपका धीरे धीरे स्केचअप हैंग होने लगता है। इसका रीज़न क्योंकि वो एक अलग प्लेटफॉर्म पे ऊपर डिज़ाइन करके यहाँ पे लाते हैं। इस कंटेंट के बारे में बात करता हूँ, स्पेसिफिकली केओस कॉस्मोस ने जो वीरे कंटेंट लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है, जब भी आप कोई भी चीज़ आप इंपोर्ट करते हो मतलब लाते हो, तो वो एक्चुअल में ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है तुम वीरे के लिए। तो वीरे के लिए ऑप्टिमाइज़ करना मतलब क्या होता है,
अगर समझो मुझे कोई एक ये कुछ ऐसी चेयर लाना है, ठीक है, ऐसी कुछ चेयर लाना है, तो मैं खाली यहाँ पे क्लिक करूँगा इम्पोर्ट। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं अभी खाली इम्पोर्ट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरी चेयर आ जाती है, ठीक है, एन नंबर ऑफ चेयर्स आई कैन, हाँ, एक सिंगल क्लिक में आ जाती है, मैं एस्केप करता हूँ। तो ये जो है ना, ये चेयर्स दिखने के लिए एकदम सिंपल दिखती है, पर है एकदम हाई क्वालिटी। तो इससे बोलते हैं वीरे प्रॉक्सी। तो वीरे प्रॉक्सी ऐसी चीज़ होती है कि आप जितने भी चाहिए उतने आप सीन पे पॉपुलेट कर लो, टेबल, चेयर्स, लोग, जो भी है, कुछ भी आप पॉपुलेट कर लो, आपका सीन हेवी नहीं होता है। दिस इज़ द मैजिक ऑफ वीरे प्रॉक्सी। सो मुझे ये चेयर नहीं चाहिए, मैं अभी डिलीट कर लेता हूँ, वापस आता हूँ कॉस्मोस में। सो ऐसा मेरा मानना है, अभी ये जो वीरे, मतलब वीरे 5.1 का जो अपडेट दिया है उन्होंने सब लोगों को दिया है, मतलब 3D Max को दिया है, रेविट को दिया है, कैड अपना सिनेमा 4D को दिया है, सारे सॉफ्टवेयर्स को दिए हैं, पर सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट हुआ है वो स्केचअप कम्युनिटी को हुआ है। इसका रीज़न, एक तो यहाँ से देखो, मैं चलो अभी एक एक चीज़ हम पॉपुलेट करते हैं, आपको पता चलेगा कि इसका जो स्पीड है और क्वालिटी है वो कैसे हम ला सकते हैं। सो मुझे यहाँ पे, मैं फर्नीचर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ से मैं, मुझे ये भी चाहिए, तो मैंने इसको ऐसे डाउनलोड कर दिया। अभी जितना समय जो लग रहा है ना, वो खाली सीन बनाने में जितना लगेगा वो खाली डाउनलोड को ही लगेगा, बाकी कुछ नहीं लगेगा। यहाँ से मैंने, हाँ, मुझे ये भी चाहिए, सेम फैमिली की चाहिए। ओके, तो अभी मैं इसको प्लेस कर लेता हूँ यहाँ से क्लिक करके, यहाँ से मैंने इनपुट कर लिया ऐसे, लेट्स टेक एन एग्जांपल लाइक दिस, और एस्केप कर लेता हूँ। यहाँ से मैं उसको रोटेट करता हूँ, ओके, और मैं मूव करता हूँ थोड़ा सा पीछे उसको, कुछ ऐसे। ओके, और मैं इसको वापस यहाँ से मैं कॉपी ले लेता हूँ इसकी, और इसी को भी रोटेट करता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है। तो एक चेयर ऐसी हो गई और एक चेयर ऐसी हो गई, और ये मेरा कैमरा व्यू है। उस कैमरा व्यू के लिए थोड़ा सा मुझे और मूव करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं रेंडर सेटिंग में जाता हूँ और यहाँ से शो सेफ फ्रेम ऑन करता हूँ, ताकि मेरा जो फ्रेम है मुझे वो दिखेगा कि मेरा फ्रेम कौन सा है। तो यहाँ से मेरा जो फ्रेम ऐसा दिख रहा है मुझे, यहाँ से मैंने जूम लेता हूँ, जूम में से मैंने थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर दिया है उसको, उसका जो फील्ड ऑफ व्यू है उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया था। सो लेट्स टेक एन लाइक दिस 35 mm का लेंस, और अभी क्लिक ऑन केओस कॉस्मोस, यहाँ से टेबल्स में से ये टेबल ले लेता हूँ, ओके, तो टेबल आ गया है, यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। टेबल
रोटेट हो गया, इसको मैं मूव करता हूँ। ओके और वापस कॉस्मोस में आने के बाद यहाँ पे मुझे चेयर्स चाहिए, तो लेट्स टेक चेयर। ओके तो यहाँ से मैं चेयर ले लेता हूँ, थोड़ा हाई चेयर रखना है तो एक यहाँ पे प्लेस करता हूँ, एक यहाँ पे प्लेस करता हूँ, एक यहाँ पे प्लेस करता हूँ, और यहाँ पे प्लेस नहीं करता मैं, ठीक है, मुझे यहाँ पे प्लेस नहीं चाहिए, तो इसको मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ एकदम ऐसे। ओके और इसको मैं ओके 180 डिग्री मैंने फ्लिप कर लिया। डिग्री यहां से मूव करता हूँ। ओके फाइन, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा और एक यहाँ पे बल्कि सोफा या दिखा देते हैं एक चीज। ओके स्टिक लाइक दिस। यहाँ पे एक बीच में टेबल रख देता हूँ, टेबल इन द सेंस बीच में एक कॉफी टेबल प्लेस कर लेता हूँ। तो ये कॉफी टेबल मैंने ले रहा हूँ मैं ये वाला, और यहाँ से क्लिक करता हूँ, ये हो गया यहाँ प्लेस। ठीक है फिर लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक्सेसरीज में जाते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसे फ्रूट्स वगैरह रख देते हैं। ओके क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे देखो वो परफेक्टली ऑन द ग्रिड ले रहा है, मतलब ऑटो सर्फेसिंग कर रहा है उसको, तो यहाँ पे खाली आपको प्लेस करना है, दैट्स इट, हो गया प्लेस। सो इट्स सुपर सुपर इजी, आई एम वेरी एक्साइटेड, मतलब ये जब भी मैं कर रहा हूँ ना मैं ऐसा लग रहा हूँ मैं खाली एक कोई एक छोटा सा क्या बोलते हैं ना एक सिम्यूलेटर का गेम खेल रहा हूँ, और यू विल ऑल्सो वेरी एन्जॉय दिस 5.1, क्योंकि इसमें क्या होता है इस चीज़ में आप पूरी तरह से आर्टिस्टिक या क्रिएटिव में कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो कि कहाँ क्या होना चाहिए। इंटीरियर डिज़ाइनर्स बेसिकली क्या करते हैं, कहाँ क्या होना चाहिए वो उनका एक्सपर्टाइज है, तो वो छोड़ के वो ऑप्शंस में जाना पड़ता है उनको, तो वो चीज़ में कहाँ तो क्रिएटिविटी खो जाती है। सो इस चीज़ में मैंने देखा है कि वीरे 5 एज अ क्वालिटी रेंडर आपको तो पता है वो एक इंडस्ट्री का नंबर वन सॉफ्टवेयर है, बट रैदर देन एक क्रिएटिविटी के ऊपर भी हम फोकस कर सकते हैं कि किधर क्या होना चाहिए।
नाउ लेट्स टेक वापस चाउस, यहाँ पे पीपल में जाता हूँ, आई टेक दिस। ओके, ये दो लोग यहाँ प्लेस हो सकते हैं। टोनी एंड बीटो पोस्ट वन, और यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। ओके, भी हम इस तरह से इधर उनको प्लेस कर लेते हैं कुछ विंडो की तरफ। सो ये हो गए प्लेस, ताकि ये भी, और हाँ, पूरा पूरा स्केल टू स्केल ऑब्जेक्ट्स हैं, कहीं भी आपको उसको रिसाइज करने बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैंने आपको एक्चुअली शुरू में बताना था कि बेसिकली ये जो क्रिएटर्स हैं, मतलब ये जो सारे कंटेंट हैं, ये जो दिख रहे हैं ना क्रिएटर्स, ये मैक्स ट्री, हम 3D, ये डिज़ाइन कनेक्टेड और रेंडर पीपल, ये सारे नंबर वन लोग हैं, मतलब नंबर वन एजेंसीज हैं जो 3D Max को मॉडल सप्लाई करते हैं, मतलब 3D Max के लिए असेट्स वो बनाते हैं। अभी तक उन्होंने स्केचअप के लिए कभी असेट बनाया नहीं, मतलब एज पर माई नॉलेज उन्होंने अभी तक तो बनाया नहीं, बट अभी वो डायरेक्टली वो स्केचअप मतलब वीरे को सप्लाई कर रहे हैं, और वीरे उसको कन्वर्ट करके यहाँ पे आपको असेट ऑप्टिमाइज करके दे रहा है वही सारी चीज़ों को। ओके, सो ये हो गया यहाँ प्लेस। अभी हम एक ये जो छोटा सा क्या बोलते हैं फूल है, वो पॉट है, वो यहाँ पे मैं प्लेस कर लेता हूँ। यहाँ पे उसको एक प्लेस कर लेता हूँ। ओके, दिख रहा है वो बड़ा बट है नहीं। ओके ओके, इंडोर प्लांट्स आउटडोर प्लांट्स ऐसे अलग है। यहाँ पे मैं पहले ये ट्री प्लेस कर लेता हूँ, यहाँ से इंग्लिश ओक, तो यहाँ पे मैंने उसको प्लेस कर दिया है। अब मैं असेट एडिटर में जाता हूँ और रेंडर सेटिंग में जाता हूँ, और फ्रेंकली स्पीकिंग रेंडर सेटिंग की कोई चिंता नहीं है, रेंडर सेटिंग क्या है। ठीक है, और बेसिकली आज का मेरा टॉपिक रेंडर सेटिंग नहीं है। सो बेसिकली क्या है, इसमें कोई रेंडर सेटिंग एज सच नहीं है, आपको अभी खाली क्लिक करके ये चेक करना है कि उसका रेंडर अभी कैसे हो रहा है। तो इन द सेंस, तो ये जो मटेरियल ओवरराइड है ये क्या करेगा, तो अगर आप क्लिक यहाँ पे करते हो तो आपको अच्छी तरह से लाइट कैसे आ रहा है और कैसा अपना रेंडर हो रहा है ये आपको पता चलेगा। तो यहाँ से मैं कैमरा पे क्लिक करता हूँ, और रेंडर आउटपुट में अपना सेव फ्रेम भी ऑन है, तो एक बार उसको रेंडर चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ से इंटरेक्टिव रेंडरिंग स्टार्ट करता हूँ, और इंटरेक्टिव रेंडरिंग ये अपने यहाँ सामने है, कुछ इस तरह से वो रेंडर हो रहा है। ओके, सो लेट्स सी कि इंटरेक्टिव रेंडरिंग जो है ना कि एकदम फास्ट काम करता है। यहाँ पे देखेंगे कि जैसा अभी देखो सन है, जो पोजीशन है सन का वो अभी लाइट आ रहा है, और अभी वो उसको कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, उसको वो अभी डी नॉइज़ भी करेगा। सो जैसे कि देखा, ये इंटरेक्टिव में रेंडरिंग हो गया है, बट फ्रेंकली स्पीकिंग ये जो एक्सपोजर है ये बहुत ही गंदा दिख रहा है। ठीक है, तो एक्सपोजर कम करने के लिए पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग कैमरा में सेटिंग में जाते थे। मैं अभी इसको स्टॉप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सेटिंग में जाते थे, और सेटिंग में जाने के बाद कैमरा पैरामीटर्स में जाते थे, फिर ISO, शटर स्पीड और ये सब कम करते थे, फिर एक आपको अच्छा एक्सपोजर मिलता था। बट अगेन ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, तो इसको भी हम एलिमिनेट करते हैं, मतलब वीरे ने ऑफकोर्स उसको एलिमिनेट किया है। वो कैसे, यहाँ पे आपको खाली यहाँ पे एक्सपोजर दिख रहा है ना, यहाँ पे ऐसे एक्सपोजर पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे एक्सपोजर से ऐसे क्लिक करना है। तो जैसे आप एक्सपोजर पे क्लिक करते हो तो कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका एक्सपोजर कम करना है। तो एक्सपोजर पूरा मत कम करना, तो एक्सपोजर पूरा कम करने से कुछ ऐसा मिलेगा। तो यहाँ से एक्सपोजर आपके हिसाब से ऐसे अच्छा सेट कर लो। अगर आपको लग रहा है नहीं आपको इतना एक्सपोजर चाहिए, नहीं लग सकता है, यस ये भी एक्सपोजर चाहिए कभी, बट इसमें से एक चीज़ अपने को निकालनी है, वो है हाईलाइट बर्न। ये देखो यहाँ पे एकदम बर्न हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए यहाँ पे अलग पैरामीटर है। सो यहाँ से मैं अगर उसको ऐसे कम कर दूँ, तो देखो यहाँ से जितना भी हाईलाइट
बर्न है वो कम होता है, ठीक है। लेट्स से अगर मैंने यहाँ से 50.5 तक लेके गया और वो कम नहीं हो रहा है, तो ऑफ कोर्स यहाँ से आपको थोड़ा सा एक्सपोजर कम करना पड़ेगा। ओके, अगेन हाँ, मैं इस चीज़ के ऊपर हाईलाइट करना चाहता हूँ कि कितना ईज़ है देखो एक रेंडर निकालना। आपने सेट कर लिया, आपने एक्सपोजर सेट कर लिया और आपका अभी करीब करीब रेंडर 90% डन है मैं बोल रहा हूँ। और यस, इसी इसी टाइम पे आप कंट्रास्ट भी सेट कर सकते हो, अगर आपको अच्छी तरह से कंट्रास्ट चाहिए तो वो सेट कर सकते हो। और बाय द वे हमने यहाँ पे लोग लगाए थे, यहाँ से मेरे से गलती से वो मूव करके डिलीट हो गए शायद, तो वो मैं वापस ट्रैक कर लेता हूँ। ओके, तो और एक चीज़ मुझे ये कहनी थी कि हमने जो भी इसका सेटिंग अभी कर दिया है तो अभी वापस इसकी सेटिंग करना नहीं पड़ेगी, मतलब इसका सेटिंग दिस इज़ डन। ओके, एक बार मैंने कर दी, दिस इज़ डन। अभी मैं दूसरा रेंडर निकालूंगा तो इसी एक्सपोजर में वो आएगा, तो वापस इसमें एक्सपोजर करने की एज सच कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसको अभी क्लोज़ कर लेता हूँ, वैसे वो अभी इसी फ्रेम बफर में रहेगा। और आपको लगता है कि आपके वर्जन सेव होने चाहिए, कि आपने कौन सा रेंडर करते वक्त कैसे इम्प्रूवमेंट की, तो इसको यहाँ से हिस्ट्री में सेव करना है। बट जैसे ही आप नया वीरे इंस्टॉल करोगे, वीरे 5 जब भी आप इंस्टॉल करोगे, तो यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा कि आपको सेव कहाँ से करना है, राइट। तो उसके लिए आपको ऑप्शंस में जाना पड़ेगा, आपको VFB सेटिंग में जाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको हिस्ट्री में क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ से आपको एनेबल करके, ओके, एनेबल करने के बाद से यूज प्रोजेक्ट पाथ, मतलब जो भी हमारा प्रोजेक्ट पाथ रहेगा वहाँ पे वो सेव कर लेगा, इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। सो सेव एंड क्लोज कर दो, तो यहाँ पे देखो ये एक्टिवेट हो गया है, सो यू कैन क्लिक हियर एंड यू कैन सेव इट। तो यहाँ पे ये भी एक बेनिफिट है अपने को, यहाँ पे हमने कितना समय उसको दिया, ठीक है, रेंडर होने के लिए। तो बेसिकली मैंने उसको रेंडर छोड़ दिया था और मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा था, तो अभी मैं आपको सामने सामने उसका रेंडर शो करूँगा, तो सेम क्वालिटी कितने मिनट में कितने सेकेंड्स में आती है वो अपने को पता पड़ेगी। सो यहाँ से मैं अभी इसको क्लोज कर लेता हूँ, वैसे भी अपना एक चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी सेव्ड है। मैंने पहला एक चीज़ मुझे जो ऐड करनी है वो है पीपल, आई क्लिक ऑन पीपल और ये मैंने उसको ऐड कर लिया था यहाँ पे, कुछ इस तरह से यहाँ पे मैंने प्लेस कर लिया था। ओके, और एक कैरेक्टर डालने के बाद ना एक अलग से एक फील आ जाता है, मतलब अगर तुम क्या बोलते हैं ना, कोई भी कितना भी अच्छा एक रियलिस्टिक रेंडर करो और उसमें अच्छी तरह से लाइट करो, एकदम मस्त रियलिस्टिक करो, तो ऑफकोर्स अच्छा दिखता है। बट उसमें अगर तुम कैरेक्टर्स डालते हो ना, कैरेक्टर्स प्लेस करते हो ना, और वो भी ये जो कैरेक्टर्स हैं रेंडर पीपल के जो कैरेक्टर्स हैं वो एकदम बहुत ही रियलिस्टिक दिखते हैं, जो क्या बोलते हैं ना, वो 2D का जो है ना स्केचअप का, जहाँ से एकदम पहले से एक बंदा खड़ा रहता है, वैसा नहीं है, वो एकदम रियलिस्टिक है। तो इसको अभी हम रेंडर करेंगे। सो उसके लिए मैं यहाँ से ये निकाल देता हूँ, क्या ये अपना मटेरियल ओवरराइड नहीं चाहिए ताकि एकदम रियलिस्टिक रेंडर दिखे। और यहाँ से मैं वापस क्लिक करता हूँ रेंडर इंटरेक्टिव, और इंटरेक्टिव जैसा ही क्लिक करते हैं तो ये रेंडर शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोलते हैं, मैं उसको वैसा ही रखता हूँ। ये देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये रेंडर कितने में हो रहा है, तो ये हो गया है रेंडर। अभी हम इसको वापस सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद मुझे यहाँ पे टाइम आया है 1:51। अगेन ये कुछ सेकंड्स थोड़े से ज़्यादा हो गए थे, मैंने उसको एस्केप नहीं किया। विद द सेम एक्सपोजर यहाँ पे आ गया है, और इसमें अगर तुमको एक्स फैक्टर ऑन करवाना है, तो हम अगर समझो ये अपना लैम्प्स चल रहा है, तो यहाँ से मैं उसको लेंस इफेक्ट भी ऐड करवा सकता हूँ, थोड़ा ब्लूम इफेक्ट ऐड करवा सकता हूँ। सी यहाँ पे थोड़ा सा ब्लूम इफेक्ट आ रहा है, तो मैं उसका साइज थोड़ा सा कम करके थोड़ा इंटेंसिटी कम करता हूँ कुछ इतना, तो देखो यहाँ से हल्का सा ब्लूम इफेक्ट भी आ रहा है। और एक चीज़ मुझे बहुत इसमें अच्छी लगी फ्रेम बफर में, और हालांकि ये जो चैप्टर है ये फ्रेम बफर के ऊपर नहीं है, बट स्टिल आई कैनॉट रेजिस्ट टू टेल यू कि कितना अच्छा फीचर है
कि यहाँ पे अगर तुम ये फिल्मिक टोन मैप लेते हो, दिस इज़ माई फेवरेट, मतलब मैं स्केचअप में काम करूँ या वीरे, मतलब अपना स्केचअप में करूँ या 3D Max में करूँ, वीरे में मैं ऑलवेज आई टेक दिस फिल्मिक टोन मैप। ये कुछ ऐसी चीज़ है ना कि एक अलग लेवल पे आपको एक शो कर सकती है इमेज। लेट्स टेक दिस एम्पास। एम्पास इज़ वेरी इजिएस्ट वे। तो यहाँ से देखो, मैंने थोड़ा जितना चाहिए उतना, अगर मुझे चाहिए मैं उतना रख सकता हूँ यहाँ से। और एक है लेट्स टेक हैबल। तो ये कुछ इस तरह से हम उसको टोन अप कर सकते हैं, कुछ इस तरह से, काइंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट बोल सकते हो। बट ऑलवेज आई ऑलवेज क्रॉस चेक विद दिस फिल्मिक टोन मैप। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं रखता हूँ, मोस्टली रखता हूँ। अगर नहीं रखा तो मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो एक बार आप ज़रूर चेक करना फिल्मिक टोन मैप। और एक चीज़ मुझे बताना है, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग आई कैन नॉट रेजिस्ट इट। सो दिस द पावर कर्व। पावर कर्व गिव यू द मोर कंट्रोल ऑन दिस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रास्ट। सो टोन लेंथ यहाँ से अलग से कंट्रोल होगा, स्ट्रेंथ यहाँ से हम अलग से सॉरी यहाँ पे बंद क्यों है, ओके। तो यहाँ से हम अलग से कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से हम अलग से कंट्रोल कर सकते हैं। देखो इसका कॉन्ट्रास्ट, ये कॉन्ट्रास्ट, ये कॉन्ट्रास्ट। और सो बेसिकली ये चल क्या रहा है मन में, क्या शोल्डर लेंथ वगैरह, ये देखो इसका, ये यहाँ पे ये ऐसा है ये, राइट। तो ये कितना चाहिए, ये कितना चाहिए, ये कितना चाहिए, तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ओके। एनी हाउ, सो दिस इज इट। देखा कितना फ्लूइडिक एक्सपीरियंस है। और एक सीन को लेट से बिल्ड करने के लिए आपको हाफ एन आवर लगे, और स्टेजिंग करने के लिए पकड़ लो और एक 10 मिनट लगे, 10-15 मिनट लगे, और पकड़ लो और 10 मिनट खाली रेंडरिंग के लिए लगे, विच इज़ अनबिलीवेबल। पहले सीन रेडी होने के लिए लेट से उतना ही टाइम लगता था जितना आपको, मतलब हाफ एन आवर लगता था, बट रेंडर होने के लिए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आपको रुकना पड़ता था। वो अभी रुकना नहीं पड़ेगा। कहाँ से असेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, साइट्स में ढूंढो, ये ढूंढो, ये ढूंढो, नहीं पड़ेगी। टेक माई वर्ड्स, ये जो रेंडर लाइब्रेरी है, मतलब इसकी जो वीरे की लाइब्रेरी है, दिस तो ओनली स्टार्ट, ये तो खाली अभी शुरुआत है, ठीक है। अभी आपको से 650 असेट्स मिलते हैं इस केओस कॉस्मोस में, बट आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ महीनों में जो अपडेट आने वाला है, मैं अभी आपको नहीं बता सकता कि वो अपडेट क्या है, बट इतना मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि जो अपडेट आने वाला है ना, वो एकदम खतरनाक वाला अपडेट आने वाला है। कि जैसे 5.1 आया था, मतलब जब ये आया था, सबको एकदम एकदम अच्छा लगा कम्युनिटी में कि ये बहुत ही द बेस्ट गेम चेंजर है, उससे भी ज़्यादा सरप्राइज उन लोग देने वाले हैं अभी अपडेट जब 2 आएगा तो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक नीचे लाइक कर देना। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, की फ्रेम्स एनिमेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरे सारे ट्यूटोरियल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और अपडेट्स आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। सो एज एन ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।